नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी की श्रृंखला में आज फिर एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की कहानी में फिर से हम मोतिहारी की ही चर्चा कर रहे हैं। आपको हमने कल बताया था कि विनोद सिंह का खात्मा कैसे हुआ। इसके पहले के एपिसोड में आप ब्रजबिहारी प्रसाद देवेंद्र दुबे के खात्मे की कहानी सुन चुके हैं। विनोद सिंह के खात्मे के बाद छोटे लाल साहनी, जिसने विनोद सिंह को मारा, उसने अपने आप को मोतिहारी या यूं कहें कि चंपारण के अंडरबल का बाप समझ लिया। उसे लगा कि अब तो शहंशाह हम ही हैं, हमें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। और छोटेलाल साहनी सभी प्रकार के अपराध में शामिल हो गया, चाहे सरकारी ठेकों पर दखल देना हो, चाहे व्यापारियों से भया दहन करना हो, चाहे सुपारी लेकर हत्या करनी हो। इतना ही नहीं, वह नेपाल में भी आतंक का पर्याय बनने लगा। नेपाल पड़ोस में है। नेपाल में जाकर छोटेलाल साहनी और उसके गुर्गे, उसके गिरोह के सदस्य अपहरण करने लगे। बड़े बड़े अपहरण उसने किए, कभी यहाँ लाकर रखा, कभी वहाँ लाकर रखा। जब पुलिस मोतिहारी में तलाशती तो वह नेपाल भाग जाता, और जब नेपाल में तलाशती तो वह मोतिहारी चला आता। तो विनोद सिंह की हत्या के बाद छोटेलाल साहनी फरार चल रहा था, लगातार अपराध कर रहा था। मोतिहारी में उसका आतंक सर चढ़ कर बोल रहा था। छोटेलाल साहनी विनोद सिंह की तरह या देवेंद्र दुबे की तरह सॉफ्ट स्पोकन नहीं था, मतलब रंगदारी से बात करता था। जैसा हमने आपको बताया कि देवेंद्र दुबे भी चाहे जितना अपराध करते हो, उन्होंने अपने समर्थकों का गोविंदगंज में या यूं कहें कि मोतिहारी में एक बड़ा समूह तैयार कर रखा था, जो उनकी सुरक्षा में या उनके बचाव में या उनके जो राजनीतिक मकसद थे उसे पूरा करने में सदैव आगे रहते थे। देवेंद्र दुबे जब कोर्ट आते थे तो हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। देवेंद्र दुबे ने गोविंदगंज से चुनाव भी जीता। आपने यह भी जाना कि रमा देवी ने मोतिहारी में संसद का चुनाव जीता, फिर जब संसद का चुनाव हारी तो विधायक बन गई। इसमें भी विनोद सिंह की भूमिका रही। तो विनोद सिंह देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद जो मोतिहारी के माए बाप बन गए थे अपराध की दुनिया के, वे सॉफ्ट स्पोकन थे, चाचा भैया बउआ कहते थे। लेकिन ये छोटेलाल जो साहनी था, ये नया जो अंडरवर्ल्ड का बाप बना था, यह जब किसी को फोन करता तो बड़े ही खराब शब्दों में, या यूं कहें कि बड़ी खराब जुबान से बात करता। सीधे कहता, रे साला पैसा भेजवाबे कि कुछ चाहत अरे, मतलब यदि पैसा नहीं भिजवाओगे तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और कुछ कांड इसने कर भी दिया। अब छोटेलाल साहनी का क्या हो, विनोद सिंह मारे जा चुके थे और छोटेलाल साहनी ने जिस तरीके से विनोद सिंह को मारा, राजपूत अपराधियों का एक नया गिरोह भी पैदा हो गया और इस गिरोह का सरगना बना मुन्ना सिंह और राजू राठौर। तो देखिए, अब मोतिहारी के अंडरबल में लड़ाई दूसरी हो गई। एक ओर छोटेलाल साहनी, दूसरी ओर से राजपूतों का अपने को सरगना मान रहा या जो कुछ मान रहा मुन्ना सिंह और राजू राठौर। इस बीच हुआ ये कि फरार चल रहा, नेपाल पुलिस भी तलाश रही थी, छोटेलाल साहनी को पटना जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया। पटना जंक्शन से मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटेलाल साहनी नेपाल से लेकर मोतिहारी से लेकर पटना तक ठिकाना बना चुका था। खैर, पुलिस को इनपुट था और इसी आधार पर पटना जंक्शन के आसपास उसकी गिरफ्तारी हुई। छोटेलाल साहनी की गिरफ्तारी से लगा कि अब कुछ राहत मिलेगी, तो छोटेलाल साहनी जेल चला गया। उधर विनोद सिंह की हत्या के बाद जो गद्दी खाली हुई थी और इस गद्दी पर जो बैठने के लिए बेताब थे मुन्ना सिंह और राजू राठौर, ये दोनों भी जेल के रास्ते में थे। मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी हो गई। तो अब जेल में, मोतिहारी जेल में, एक ओर से छोटेलाल साहनी और दूसरी ओर से मुन्ना सिंह, जेल के भीतर भी दोनों के बीच भिड़ंत होती रहती। दोनों का जो जेल के भीतर वार्ड था, जो हमारी खबर है या जानकारी है, एक वार्ड नंबर 3 में था और दूसरा वार्ड नंबर 11 में था। और इन दोनों वार्डों के बीच छोटी मोटी झड़पें
होती रहती थी, लेकिन जेल के भीतर मर्डर हो जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पर छोटेलाल सहनी का दिमाग तो ज्यादा ही खराब था। यदि हम उन दिनों की याद करते हैं और जिस दिन जेल में मर्डर हुआ उस दिन को स्मरण करते हैं, तो मुझे याद आता है कि उस दिन मोतिहारी के गांधी मैदान में 3 दिवसीय चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज होना था। सांस्कृतिक महोत्सव कल्चरल प्रोग्राम, और इसके लिए बड़ी तैयारी की गई थी। बिहार के गवर्नर उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। शाम का वक्त था, मंच पर उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, राज्यपाल भी मौजूद थे, जिला के सभी प्रशासनिक और पुलिस प्राधिकारी मौजूद थे, बड़े बड़े स्पीकर्स लगे थे और सुमधुर शास्त्रीय संगीत की धुन बज रही थी, लोग आनंद ले रहे थे। महोत्सव की जो चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव था उसके उद्घाटन की लौ जल चुकी थी। तभी क्या हुआ कि जेल के भीतर गोली और बम चलने लगे। गोली और बम चलने की आवाज दूर तक पहुंची। जाहिर तौर पर जब गवर्नर चंपारण महोत्सव में मौजूद थे तो वहां एसपी और डीएम भी थे। विद इन मिनट्स यह खबर फ्लैश हो गई कि जेल के भीतर खूनी लड़ाई हो गई है और जेल के भीतर ही बम चल रहे हैं, पिस्तल से गोलियां चल रही हैं। सबों को हैरान करने वाली खबर थी कि जेल के भीतर बम कैसे पहुंचा और गोलियां कैसे पहुंची, हथियार कैसे पहुंचे। यह खबर भी कुछ ही देर में आ गई कि ये जो लड़ाई है जेल के भीतर, जो खूनी बार चल रहा है, इसमें छोटेलाल सहनी ने, जिसे पटना जंक्शन से गिरफ्तार किया गया था, उसने अपने प्रतिद्वंदी गिरोह के सरगना मुन्ना सिंह पर हमला बोल दिया है, या यूं कहें कि मुन्ना सिंह को टारगेट कर बम दागे हैं, गोलियां दागी हैं और मुन्ना सिंह मारा गया है। तो मुन्ना सिंह मार दिया गया। आतंक, इस खबर ने शहर में आतंक पैदा किया। गवर्नर मौजूद थे, जो आवाज़ थी धमाकों की वह वहाँ तक पहुँच गई। तत्काल मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट तो राज्यपाल ही थे, उन्हें सर्किट हाउस ले जाया गया और उन्हें पटना के लिए रवाना करने की तैयारी शुरू कर दी गई। अब जेल के भीतर पुलिस पहुँची, पुलिस टीम पहुँची, तब तक मुन्ना सिंह की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। मतलब छोटेलाल सहनी ने मुन्ना सिंह की सांसों पर विराम लगा दिया था। अब जेल के भीतर पुलिस की स्थिति ऐसी तो थी नहीं कि वह छोटेलाल सहनी को भी वहीं ढेर कर दे, क्योंकि जेल का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। जो मुन्ना सिंह के समर्थक थे वे हंगामा काट रहे थे। जेल के भीतर हथियार कैसे पहुंचा, बम कैसे पहुंचे, यह भी एक चैलेंज था। लेकिन बहरहाल जेल के भीतर जो स्थिति थी उसे नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती थी। अब इसके बाद मुन्ना सिंह के खात्मे के बाद, वो भी जेल के भीतर, और तब जब शहर में राज्यपाल हों, समझ सकते हैं कि छोटेलाल सहनी का ग्राफ कितना तेजी से बढ़ गया। छोटेलाल सहनी का आतंक सर चढ़ कर बोलने लगा और वह भी पागलों की तरह। डराना, धमकाना, आतंक पैदा करना, रंगदारी वसूलना, हत्या करा देना, ये सब करने लगा। जेल से ही वह ऑपरेट करने लगा। शहर में किसी की हैसियत ऐसी नहीं रह गई कि वो छोटेलाल सहनी की बात उठा सके। और आपको जैसा हमने पहले भी बताया कि छोटेलाल सहनी की आवाज़ बहुत ही रफ थी। वह जिसे संदेशा भेजता सीधे कहता, अरे साला पैसा भेजबा कि कुछ चाहे तरह। और ठीक इसी प्रकार उसके गुर्गे भी पूरे शहर में तांडव मचा रहे थे। तो सहनी गिरोह के डर से मोतिहारी डर रहा था। लेकिन जैसा कहते हैं कि अपराध का अंत आज न कल तो होता ही होता है। अब मोतिहारी में सुनील कुमार झा इसके साथ एसपी बनकर आ गए थे, तेज तर्रार अफसर रहे हैं। उन्हें
समझ में आ गया था कि छोटे लाल सहनी ने शहर को नरक बना डाला है। मुन्ना सिंह की हत्या के बाद राजपूत गिरोह की कमान राजू राठौर के पास थी। राजू राठौर अब किसी भी कीमत पर छोटे लाल सहनी से बदला लेना चाहता था, लेकिन बदला ले कैसे, जेल के भीतर या जेल के बाहर? छोटे लाल सहनी जेल से बाहर नहीं आ रहा था। छोटे लाल सहनी यदि जेल के बाहर आता तब तो कोई बात और होती, लेकिन फिर हुआ ये कि अप्रैल 2007 में, देखिए याद कीजिएगा, 5 साल का वक्त लग गया विनोद सिंह की हत्या के बाद। 24 नवंबर 2002 को विनोद सिंह की हत्या हुई थी, इसके बाद अप्रैल 2007 तक छोटे लाल सहनी का तांडव चलता रहा। तो छोटे लाल सहनी को मुन्ना सिंह की हत्या के कुछ महीने बाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। कोर्ट में पेशी के लिए कैदी आते ही आते हैं, पेशी के लिए लाया गया। इसके बाद उसे जेल की गाड़ी से उतार कर जब कोर्ट हाजत में, देखिए हर कोर्ट में एक हाजत होती है जहां जेल से अपराधी लाए जाते हैं, उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक कोर्ट की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। तो उसे कोर्ट हाजत में ले ही जाया जा रहा था कि तभी गोली चलने की आवाज़ गूंजी। मतलब अब कोर्ट कैंपस में जेल गाड़ी से कोर्ट हाजत के बीच के रास्ते में फायरिंग हो गई, और एक नहीं कई फायरिंग हो गई, और ये सारी गोलियां छोटे लाल सहनी जो हथकड़ी पहने था उसे निशाने पर लेकर चलाई गई थी। अपराधियों का निशाना, जिसने भी ये हमला बोला उसके निशाने अचूक थे। छोटे लाल सहनी को एक नहीं कई गोलियां लगी और छोटे लाल सहनी वहीं ढेर हो गया। छोटे लाल सहनी का भी काम तमाम हो गया। अब छोटे लाल सहनी को किसने मारा, यह एक बड़ा सवाल था। इस बड़े सवाल की गुत्थी बहुत लंबे अरसे तक नहीं सुलझ पाई, या यूं कहें कि आज तक नहीं सुलझ पाई। बहुत लोगों ने यह माना कि मुन्ना सिंह की हत्या के बाद जो जेल में हुई थी, राजू राठौर और उनके साथियों ने इस हत्या का बदला लिया। राजू राठौर अब भी जिंदा है, लेकिन कई लोग ये मानते थे कि छोटे लाल सहनी के आतंक से पुलिस इतनी परेशान हो गई थी कि पुलिस को यह लग गया था कि बगैर छोटे लाल सहनी को खत्म किए मोतिहारी को शांत नहीं किया सकता है, और छोटे लाल सहनी जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। तो अब जेल से बाहर आए नहीं और जेल से उसका रुतबा घटे नहीं, इसलिए अंडरबल्ब में ही शायद कोई पत्ता खोजा गया। देखिए अब इस बात को हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन जो खबरें चलती रही, जो बातें कही जाती रही कि छोटे लाल सहनी को कोर्ट कैंपस में ढेर करने के पीछे जो पुलिस की टास्क फोर्स होती है और उसके लिए जो काज करने वाले लोग होते हैं, अंडरवर्ल्ड के ही लोग होते हैं, उनमें से ही कोई ना कोई किरदार था, तो छोटे लाल सहनी का भी अब समापन हो गया। छोटे लाल सहनी की हत्या ने फिर से शहर को थोड़ा गर्म किया। सहनी समाज का प्रभाव भी मोतिहारी, मतलब पूर्वी चंपारण जिले में काफ़ी है। उन्हें लगा कि जो एक गैंगस्टर उनके समाज से उभरा था वो खत्म हो गया, लेकिन अब ये बड़ी लड़ाई जो अंडरबल की लड़ाई पहले देवेंद्र दुबे की हत्या से, या उसके पहले कहें 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या से, छोटन शुक्ला की हत्या, फिर देवेंद्र दुबे की हत्या, फिर ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या, फिर विनोद सिंह की हत्या, फिर जेल में मुन्ना सिंह की हत्या, और इसके बाद छोटे लाल सहनी की हत्या। तो इस बड़ी लड़ाई के एक चक्र पर विराम लग चुका था। बिहार की हुकूमत भी 2005 में बदल गई थी, नीतीश कुमार सरकार में आ गए थे, और नीतीश कुमार ने बिहार को ये भरोसा दिलाया था कि हम जंगल राज को ख़त्म करेंगे, और जो 2005 में उनका पहला कार्यकाल 2010 तक रहा, इस दरमियान उन्होंने कई कार्य भी किए कि बिहार में सुशासन स्थापित हो, विधि व्यवस्था को संधारित करने की दिशा में कार्य किया गया। तो इस तरीके से अंडरबल की एक बड़ी लड़ाई मोतिहारी की ख़त्म हुई। हम फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने रोज रात 9 बजे की तरह कल हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, Twitter पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।